Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a fourth year medical student at Kazan State Medical University, Russia. And in today's video, I'm going to be talking about some negative side of abroad MBBS. And ye cheeze aisi hain ki, you know, iske bare mein bahut zyada discussion aapko obviously YouTube pe nahi milega. But main dil khol karke is video mein aapko, you know, jitni bhi buraiyan hain abroad MBBS se related, wo sari ki sari discuss karne ka try karunga. Koshish karunga ki main 100% honest rahun. And ye video thoda sa zyada negative hone wala hai. Negative aspect aapko, you know, dekhne ko milega. But अगेन, अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि हमें नेगेटिव चीजों के बारे में भी बात करना चाहिए. उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने को, यू नो, डिसाइड किया है. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा डिप्रेसिंग फील हो सकता है और रशिया में आपका प्लान कैंसिल करने का भी मन करे, बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली रशिया में आप आ सकते हो, बट हाँ, ये वीडियो नेगेटिव है. बट आगे जो फ्यूचर में मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ, उसमें एक वीडियो में पॉजिटिव साइड भी मैं दिखाने का ट्राई करूंगा. वॉच दिस वीडियो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ये वीडियो पांच सेक्शंस में डिवाइडेड है, पांच मेन टॉपिक्स हैं. एंड एट द एंड आई विल आल्सो बी गिविंग यू वन बोनस पॉइंट, वन बोनस टिप. सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नेगेटिव साइड ऑफ अब्रॉड एमबीबीएस. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो राइट ऑफ द बैट मैं ये चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्लीज रशिया आने के पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके आओ. आई नो आप लोग यहाँ आने के पहले यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रशियन लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख करके आते हो. एंड वो सारे वीडियोस आपके माइंड में एक यूनिक परसेप्शन बना देते हैं रशिया के बारे में, अब्रॉड के बारे में. बट इट इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज. लाइफ इज रियली नॉट हैपनिंग हियर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज आई हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स. एंड मुझे सीरियसली अब मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पे. हम लोग हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं तो उससे भी अब्रॉड के लिए एक अलग ही परसेप्शन बन जाता है धीरे धीरे हमारे दिमाग में. वी थिंक कि अच्छा, अब्रॉड जाने के बाद, यू नो, एक अलग ही टाइप ऑफ क्वालिटी हो जाएगी हमारी लाइफ में, यू नो, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा. बट वो चीजें तो होती हैं, बट उसके साथ साथ जो, यू नो, नेगेटिव साइड्स आते हैं उसको भी डिस्कस करना जरूरी है. एंड मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अब्रॉड में इंडिपेंडेंसी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है. आपको सारे के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं. खाना बनाने से लेकर के रूम साफ करने तक सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा. खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए जो सामान हो गया वो भी आपको खुद ही बाहर जाना है, वो सामान लाना है, उसको धुलना है, उसे खाना बनाना है, खाने के बाद बर्तन को खुद ही साफ करना है, लॉन्ड्री खुद करना है आपको. तो ये सारे काम आपको खुद ही करने, उसके साथ आपको अपना भी ध्यान रखना है, कॉलेज का भी ध्यान रखना है. समटाइम्स रियली इट गेट्स टू मच. अगर आप घर का काम कर भी लेते हो, उससे आदत आपकी लग भी जाती है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है. लिटरली यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, सीजनल डिप्रेशन. उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे 5 महीने अप्रोक्सीमेटली रशिया में काफी ज्यादा अच्छी ठंड पड़ती है. एंड उसकी वजह से आपको हफ्तों तक सनशाइन नहीं मिलती है. मौसम जो है काफी ग्रे हो जाता है. सनराइज होता है वो सुबह 8:30-9 बजे होता है एंड शाम के 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है. लिटरली 6 घंटे का आपको उजाला मिलता है एंड बाकी टाइम पूरा का पूरा अंधेरा होता है. तो ग्रे वेदर प्लस, यू नो, अंधेरा वाला वेदर, ये सारी चीजें मिल करके आपके दिमाग में एक क्यूम्युलेटिव इफेक्ट डालती है, जिससे कि आपका माइंड काफी ज्यादा लेजी हो जाता है एंड काफी ज्यादा डिप्रेसिव फील करने लगता है. आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज एक्चुअली अ थिंग हियर. जो आप स्नोफॉल्स के वीडियोस देखते हो रशिया में, आपको, यू नो, एक परसेप्शन बना होता है कि अच्छा, बाहर जाएंगे, स्नोफॉल देखेंगे, अच्छा लगेगा, मजे मजे करेंगे. लेट मी टेल यू सीरियसली, आप 4 या 5 महीने में, एक विंटर आप यहाँ रशिया में बिताओगे ना, आपको विंटर से नफरत हो जाएगी, स्नोफॉल से नफरत हो जाएगी. समटाइम्स इट रियली गेट्स टू मच. जो इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो इंडिया में, यू नो, धीरे धीरे बढ़ता है, बट रशिया में इन्फ्लेशन पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा बढ़ा है. स्पेशली वॉर के बाद तो इन्फ्लेशन यहाँ पे ज्यादा ही तरीके से इंक्रीज हो रहा है एंड उसकी वजह से आपके, यू नो, फाइनेंशियल लाइफ पे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है. आपको, यू नो, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना पड़ सकता है. तो ये सारी चीजें मिला करके मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि सीरियसली लाइफ इज नॉट हियर व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया. इंडिया को आप बहुत मिस करने वाले हो अब्रॉड में रह करके. एंड डजंट मैटर कि आप इंडिया को हेट करते हो, पसंद करते हो, डजंट मैटर. कोई भी बंदा हो, अगर वो अब्रॉड में रहता है 2-3 साल एंड उसके बाद सीरियसली इंडिया की इतनी ज्यादा याद आने वाली है. आप इतनी सारी चीजों को मिस आउट करोगे, इतनी सारी इंडियन चीजों को याद करोगे. मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ. मैं 2 साल तक लगातार इंडिया नहीं गया था. आई स्पेंट माई 2nd year and 3rd year हियर इन रशिया. 3rd year एंड होते होते आई वॉज लाइक कि ओके, मैं इतना ज्यादा इंडिया को मिस कर रहा था. आई वॉज क्रेविंग फॉर इंडिया पोल्यूशन. Like seriously, I was not believing my mind कि मैं ये चीज expect कर सकता हूँ. चीजें हो जाती हैं because हम Indians होते हैं, हम अपने roots से बहुत ज़्यादा connected होते हैं. हमें अपना, you know, culture कभी ज़्यादा उतना छोड़ने का मन करता नहीं है. And यहाँ पे आने के बाद हम adjust नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं abroad life में. तो उसकी वजह से एक, you know, हमेशा India और India का thought हमारे दिमाग में हमेशा रहता है. आप family functions को miss करोगे, religious functions को, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये सारी चीजों को आप बहुत ज़्यादा miss करने वाले हो. Obviously tickets इतनी expensive होती हैं, so you can't
टू गो बैक टू इंडिया एंड कम टू रशिया। छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे आप नहीं जा सकते हो, फैमिलीज को आप बहुत मिस करोगे अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा यू नो कनेक्टेड हो। मुझे एक रशिया में मेरी एक फ्रेंड है कीसा, उसने एक मेरे एक वीडियो में ये कमेंट डाला था, आई विल पुट द स्क्रीनशॉट हियर। दिस इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, सम टाइम्स इट इज नॉट वर्थ इट। अगर आप बहुत ज्यादा अपने घर से जुड़े हुए हो, प्लीज इट इज नॉट वर्थ इट। इंडिया का वो जो बिजी क्राउडेड एनवायरमेंट होता है, इंडिया का स्ट्रीट फूड, इंडिया के फ्रेंड्स, आप सीरियसली उनकी इंपॉर्टेंस रशिया में आने पे ही समझोगे, बिकॉज रशियन फूड उतना टेस्टी नहीं होता, टेस्टी का बहुत ही वाहियात होता है। एंड उस टाइम आप इंडियन स्ट्रीट फूड को इतना ज्यादा मिस करोगे कि मैं लाइक लिटरली आई कांट इवन एक्सप्लेन। अगर आप कैसे भी करके इंडिया को मिस करना छोड़ सकते हो, आप यू नो यहाँ के सीजनल डिप्रेशन से भी अगर आप ओवरकम कर जाते हो, तो यहाँ पे एक तीसरा यू नो त्रिशूल आपके लिए बैठा होता है, एंड दैट इज एफएमजी एग्जाम का फियर। ये जो फियर है साल में दो बार जरूर रिफ्रेश होता है। जब भी इंडिया में एफएमजी का एग्जाम होता है, एक तो जून में होता है और एक दिसंबर में होता है, एंड जब उसका रिजल्ट आता है तब हम लोगों को यू नो एक डर का माहौल सा बन जाता है। सबको एक बार डाउट होता है कि मेरा निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में या नहीं। मैंने अपने पहले की वीडियोज में आप लोगों को बता रखा है, जो लोग मेरे व्यूवर्स उनको पता होगा कि रशिया का जो एजुकेशन पैटर्न है वो स्लाइटली डिफरेंट है देन इंडिया। यहाँ पे कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, वो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का भी जो पैटर्न है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको इंडिया का सिलेबस तो कवर करना ही करना है, एफएमजी का जो सिलेबस है वो कवर करना ही करना है, प्लस रशिया में भी आपको पास होना है। तो ये दोनों चीजों को हैंड टू हैंड बैलेंस करना कभी कभी थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, एंड उसकी वजह से यू नो आपके यू नो मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट कभी कभी पड़ता है। तो वीडियो ऑलमोस्ट आधा क्रॉस हो चुका है, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं बोनस पॉइंट अभी दे देना चाहता हूं, क्यों मैं वेट कर रहा हूं वीडियो के एंड होने का। सो जो बोनस पॉइंट है वो एजेंट से रिलेटेड है, फ्रॉड एजेंट से रिलेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी ऐसे एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हो जो यू नो फ्रॉड कर दे आपके साथ, कुछ भी स्कैम कर दे, की वजह से आपका जो स्टार्टिंग जर्नी है जो अब्रॉड एमबीबीएस का वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, कुछ कुछ एजेंट्स बहुत ज्यादा बहलाते हैं बच्चों को, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं। इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लिया जाए। रशिया में यहाँ क्या सिस्टम होता है कि हर कॉलेज का अपना एक मेन एजेंट होता है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि डायरेक्टली डीन ऑफिस से काम करता है। सो प्लीज अगर ट्राई करो कि आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही एडमिशन ले लो, जैसे कजान में एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, एंड समारा का अलग है, ओरेनबर्ग का अलग है, नॉर्दर्न स्टेट का अलग है, तो सारी यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एंड अगर आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत कम चांसेस होता है कि किसी फ्रॉड हो या कोई स्कैम हो आपके साथ। तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़े से यू नो अलर्ट रहोगे तो आप अवॉइड कर सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई सी दिस, इंडिया में कुछ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तुम्हारे लिए कर देंगे, वो कर देंगे, बट यहाँ आने के बाद सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजों को यू नो ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी कॉलेज को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन लो। इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स और एनीथिंग रिलेटेड टू रशिया, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन टू मी ऑन माई व्हाट्सएप और ऑन माई इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप की चैट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का चैट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज अगर आपके पास कोई भी क्वेरी, यू कैन रीच आउट टू मी एंड टॉक टू मी पर्सनली। आई थिंक ये बोनस पॉइंट अब कवर हो चुका है, एंड हमें अब वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इजी एग्जाम्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यूट्यूब पे डिस्कशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। एंड ये चीज ऐसा है कि अगर आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करो रशिया के मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स का लेवल, तो इंडिया में अगर लेवल 10 होता है डिफिकल्टी में, तो रशिया का जो मेडिकल कॉलेज होता है उसका डिफिकल्टी लेवल 5 होता है। उससे अक्सर क्या होता है, बच्चे स्टडीज से थोड़ा यू नो दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एग्जाम ही एक ऐसा फोर्स होता है, एक ड्राइविंग फैक्टर होता है जो बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर करता है, एंड अगर आपका एग्जाम ही लेस डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली एजुकेशन लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड एग्जाम्स तो इजी होता ही होता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे यू नो जो डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। आई हैव ऑफ्टन सीन कि बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो सिगरेट्स, अल्कोहल, इन सारी चीजों में अपने आप को यू नो इंडल्ज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, उतना ज्यादा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, यू जस्ट नीड टू बी अबव 18 एंड सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट कोएड हॉस्टल्स है यहाँ पे, तो ये सारी इजी एग्जाम्स, सिगरेट्स, अल्कोहल, कोएड हॉस्टल, तो ये सारी चीजें मिला करके एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इस चीज को इसी तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि देर आर लेस फैक्टर्स पुशिंग यू टुवर्ड स्टडी एंड मोर फैक्टर्स पुलिंग यू अवे फ्रॉम स्टडी। तो ये सारी चीजें मिला करके स्टूडेंट के एजुकेशन लाइफ पे एक काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। ऑब्वियसली यू कैन यूज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्स, जो इजी एग्जाम्स होता है उसको आप अपने पॉजिटिव चीज के लिए यूज कर सकते हो, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट ये चीजें ऑब्वियसली नेगेटिव साइड चली जाती है, एंड आप बाहर आते हो यहाँ पे आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हो। यू नो
इंडिया में रहते हो तो आपको ऑब्वियसली एक मेंटल प्रेशर रहता है कि ओके माय पेरेंट्स आर हियर, दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स फॉर मी. बट यहाँ पे आने के बाद जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है उसमें काफी ज्यादा बच्चे कैरी फॉरवर्ड होके चले जाते हैं एंड ऑब्वियसली एजुकेशन लाइफ इम्पैक्ट होता है. द मोमेंट यू डिसाइड कि आप रशिया में अपना MBBS करने वाले हो, आपको ये चीज आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए डे वन से कि रशिया इज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर मेडिकल एजुकेशन. डजेंट मैटर कि आप रशिया के कौन से मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कितने अच्छे, चाहे आप कजान में पढ़ रहे हो या ओरेनबर्ग में पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, इट विल ऑलवेज बी द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन. कोई भी फ्रॉड एजेंट अगर आपको ये बोलता है कि अच्छा रशिया का कोई एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज इंडिया के एम्स के बराबर है या इंडिया के किसी अदर मेडिकल कॉलेज से भी ज्यादा अच्छा है, प्लीज डोंट बिलीव देम. वो आपका सच में आपको गधा बना रहे हैं. तो अभी मैंने रशिया के मेडिकल एजुकेशन के बारे में इतनी बुराई की तो ऑब्वियसली मुझे रीजन देना ही पड़ेगा. एंड द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे जो फोकस होता है मेनली वो थियोरेटिकल पार्ट पे ज्यादा होता है. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस. आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी एजेंट कुछ भी बोले, डोंट बिलीव देम. प्लीज ट्रस्ट मी, यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. आई डोंट नो इनका मेडिकल एजुकेशन किस तरीके से डिजाइंड है, बट वो थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है. क्लिनिकल नॉलेज आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा एंड ये एक बहुत ही लैकिंग पॉइंट होता है जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होकर के जाते हैं. एंड इसके बारे में ह्यूमिलिएशन भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है इंडिया में. यहाँ पे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होता है. किसी किसी यूनिवर्सिटीज में तो कैडेवर्स तक नहीं होते हैं फर्स्ट ईयर में. एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला, एग्जाम्स भी ईजी होता है. तो ये सारी चीजें मिला करके एजुकेशन क्वालिटी पे आपको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रशिया में. बट अब ऐसा भी नहीं है कि क्लिनिकल नॉलेज कम है तो आपको इंडिया में ह्यूमिलिएशन फेस करना ही करना पड़ेगा. उसको अवॉइड करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने अपने वीडियोस में पहले बोल भी रखा है कि आपको किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पे आपको अच्छा क्लिनिकल नॉलेज मिले. किसी ऐसे सिटी में एडमिशन लेना रशिया के जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, सो दैट आपका जो क्लिनिकल नॉलेज वो बहुत ज्यादा अच्छा हो. रशिया में कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो इधर आई बटन पे आ जाएगा. प्लीज उस पे टैप करके आप वीडियो देखो एंड उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. मैंने इतने भी जो 5 मेन बैड साइट्स हैं अब्रॉड MBBS के वो सारे आपको दिखलाने की कोशिश किया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो. और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है, जिस तरीके का मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. यू सब्सक्राइब, इट गिव्स मी मोटिवेशन. मुझे ऐसे और ज्यादा वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है. एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम. मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.